हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। पनीर पकोड़े तो आपने बहुत बनाए होंगे, पर इस तरह से क्रिस्पी पनीर पकोड़ा, वो भी बिना बेसन के, आपने शायद ही पहले कभी बनाए होंगे। तो चलिए इस क्रिस्पी मज़ेदार पनीर पकोड़े की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 200 ग्राम पनीर लेंगे। पनीर को हम लंबा या चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे। तो पनीर के टुकड़े हमें थोड़े से बड़े साइज़ में काटना है। काटने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। सभी मसालों को पनीर के ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे। तो मसालों को अच्छे से कोट करने के बाद अब हम इसे 5 मिनट के लिए अलग रख देंगे। और अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। हम लेंगे 1 टीस्पून धनिया, 8 से 10 काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा। तीनों को हल्का दरदरा रखते हुए कूट लेंगे। मसालों को कूटने के बाद अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन, थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे 1 कप ब्रेड क्रम और इसमें मसाले को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अलग रखेंगे और अब हम एक स्लरी बनाएंगे। हम लेंगे 2 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 पिंच नमक डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। घोल हमें ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। तो इस प्रकार से घोल को हमने बना लिया है। अब हम पनीर को घोल में डिप करेंगे। घोल में डिप करने के बाद अब हम इसे ब्रेड क्रम से अच्छे से कोट करेंगे। तो इसी प्रकार से सारे पनीर को हम कोट करके तैयार करेंगे। तो पनीर को पहले घोल में डिप करें, इसके बाद इसे अच्छे से ब्रेड क्रम से कोट कर लें। तो सारे पनीर को हम इसी प्रकार से कोट करके तैयार करेंगे। तो सारे पनीर को हमने कोट कर लिया है। अब हम इसे दोबारा कोट करेंगे। इससे ये पकोड़े और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। सेम प्रोसेस से पहले पनीर को घोल में डिप करेंगे, इसके बाद इसे ब्रेड क्रम से अच्छे से कोट कर लें। तो इसी प्रकार से सारे पनीर को कोट करके तैयार कर लेंगे। सारे पनीर को हमने कोट कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने देंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं। आधे घंटे बाद हमने इसे फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल को हमें मीडियम गरम करना है। गैस की फ्लेम को भी हम मीडियम रखेंगे। थोड़ी देर बाद इसे पलटेंगे। पकौड़ों को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे। तो जैसे ही पकौड़े पर गोल्डन कलर दिखेगा तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बाकी के पकोड़ों को फ्राई करेंगे। तो सारे पकोड़ों को हमने फ्राई कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये पकोड़े बनते हैं। बारिश के मौसम में इस प्रकार से पनीर के पकोड़ों को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।